पंचायत चुनाव अध्यादेश पर कांग्रेस का बड़ा खुलासा। कांग्रेस ने लगाया आरोप, जनता को बेवकूफ बना रही सरकार। सरकार के अध्यादेश वापस लेने के पीछे का सच किया उजागर। शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव अध्यादेश को कैबिनेट में वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन कांग्रेस की माने तो इस अध्यादेश की अवधि तो पहले ही समाप्त हो चुकी थी। 21 दिसंबर 2021 को यह आदेश स्वतः ही रद्द हो गया था, पर शिवराज सरकार ने अपनी गलती को छुपाने के लिए या यूं कहें कि अपनी नाक बचाने के लिए कैबिनेट बैठक में इस आदेश को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस का कहना है कि यह अध्यादेश 21 जुलाई 2021 को शिवराज सरकार ने पारित किया था, जिसे इस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पटल पर रखा जाना था, लेकिन इसे पटल पर नहीं रखा गया और 20 दिसंबर 2021 को इसे पारित करने की अवधि खत्म होते ही यह अध्यादेश स्वतः शून्य हो गया। बावजूद इसके सरकार से इसे वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर प्रदेश की जनता को मामू बना दिया गया। मध्य प्रदेश में लंबे समय से लंबित पड़े नगरीय निकाय के चुनाव, पंचायत के चुनाव कराने का साहस मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को नहीं हो रहा था। माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश किया कि चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाएं। नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर पहले भी उन्होंने भ्रमित किया, माननीय न्यायालय से स्टे हुआ, वो आज भी लंबित पड़े हैं। इसके बाद जैसे तैसे इन्होंने दोबारा हिम्मत की कि पंचायत के चुनाव कराए जाएँ। पंचायत चुनाव कराने की कार्रवाई चल रही थी, चुनाव की घोषणा होने वाली थी, उसके पहले ही 21 नवम्बर को मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने महामहिम राज्यपाल महोदय से छुट्टी के दिन अध्यादेश जारी करा दिया कि कांग्रेस कार्यकाल में 2019 में जो मुख्यमंत्री कमलनाथ जीत रहे हैं उनके समय जो परिसीमन हुआ है, आरक्षण हुआ है, जो पंचायतों का गठन हुआ है, वो सबको नष्ट कर दिया गया और 2014 की स्थिति को बहाल कर दिया गया। इसको लेकर बहुत से लोगों में आक्रोश रहा। जिन लोगों ने 2 साल से अपनी अपनी पंचायतों में जगह पर काम किया था, वो सारे दुखी और परेशान हुए। उनमें से कई लोग न्यायालय की शरण में गए, माननीय न्यायालय में चलता रहा, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय दोनों जगह होता रहा। वस्तु स्थिति यह है कि बाद में किस तरीके से उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ और उच्चतम न्यायालय ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर एक टिप्पणी कर दी कि जो गबली वर्सेज मध्य प्रदेश शासन महाराष्ट्र का जो है निर्णय, उसमें 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए उसको फॉलो किया जाए और जो ओबीसी को दिए गए आरक्षण है उसको सामान्य करा के चुनाव कराए जाए। ये राज्य निर्वाचन आयोग को उन्होंने आदेशित किया। राज्य निर्वाचन आयोग को चूंकि अधिकार नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार आरक्षण कराती है, तो उन्होंने सरकार को भेज दिया कि इसका 7 दिन में आरक्षण करा के पूरे पिछड़े वर्ग के आरक्षण को सामान्य करके भेजा जाए। सरकार ने कुछ नहीं किया, तो चूंकि पिछड़े वर्ग बहुत आक्रोश हो गया, बहुत ज़्यादा असंतोष हो गया, परेशान रहे। मुख्यमंत्री स्वयं अपने आप को ओबीसी का नेता बताते हैं, लेकिन ओबीसी को सिर्फ गुमराह करने का काम करते रहे। कभी बोले आज खत्म हो जाएगा, कल आरक्षण दोबारा हो जाएगा, बिना पिछड़े वर्ग के आरक्षण के हम चुनाव नहीं होने देंगे। यहाँ तक कि अशासकीय संकल्प भी विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ। आदरणीय कमलनाथ जी ने भी उसमें सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि अच्छा निर्णय है, बिना ओबीसी के आरक्षण के हम चुनाव नहीं होने देंगे। सारी बातें हो गई, इसके बाद भी उसको कुछ नहीं करा पाए। अब इनको समझ में नहीं आया करना क्या है, तो इन्होंने उस अध्यादेश को ही नष्ट करा दिया महामहिम राज्यपाल से कैबिनेट का निर्णय करके। जो मेरी जानकारी अनुसार अध्यादेश उन परिस्थितियों में जारी होता है जबकि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है, तो वो अध्यादेश की जो आयु होती है, जो अवधि होती है, वो होती है विधानसभा का सत्र आहूत होने की अवधि तक या अधिकतम 6 माह तक। लेकिन 21 नवंबर को हुआ और 20 दिसंबर से 1 महीने बाद ही विधानसभा का सत्र शुरू हुआ 5 दिन के लिए, और पुनरीक्षण, आरक्षण, परिसीमन सारे कांग्रेस कार्यकाल में हुए थे, वो आज की तारीख में विधिक रूप से यथावत हैं, जब तक कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार इसमें कोई निर्णय नहीं लेती है। इसलिए मेरा तो कहना है कि पंचायत के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग को कराना चाहिए 2019 के आधार पर। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने जनता को तो मूर्ख बनाकर उनकी भावनाओं से तो खिलवाड़ किया ही है, साथ ही साथ इसके चक्कर में कई लोगों को अपनी गाढ़ी कमाई से भी हाथ धोना पड़ा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।